चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप देख रहे हैं आज का मेकअप मेरा, क्योंकि वीडियो शूट किया था मैंने आज, तो मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया, कुछ नहीं लगाया था, मैंने पाउडर लगाया था, लिपस्टिक लगी हुई है। और कैसे आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। और आज मेरी वॉइस थोड़ी स्लो सुनाई देगी क्योंकि जुकाम बहुत तेज है और खांसी, गले में इतनी ज़्यादा खराश हो गई है, बहुत नहीं ज़्यादा। और ये देखिए मेरा बैग तैयार है, कहाँ के लिए तैयार है वो मैं अभी आप लोगों से बताऊंगी। और इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें रखी हैं, आप लोगों से सोच रही थी दिखा दूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ब्लॉग में आज छोटा सा सोच रही थी आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला क्यूट सब बैग इसमें है, क्योंकि मेरा मुंडन और छेदन की रस्म होने जा रही है बच्चों की, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, यहाँ नज़दीक में गांव पड़ता है जहाँ हमारे यहाँ कुलदेवी हैं, तो उन्हीं के मुंडन और ये सारी रस्में जो होती हैं वो होती है, तो इसीलिए। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें ये छोटा सा बैग मैंने तैयार किया है एंड इसमें थोड़ा सा कुछ नॉर्मली लिपस्टिक वगैरह रखा है, बिंदी का पत्ता रखा है, और वो जो क्या बोलते छेदन वाली जो बाली होती है ना वो रखा है। ये देखिए इसमें बालियाँ रखी हुई है, और ये भी अभी आपको आगे वीडियो में देखने की मिलेगी कि ये वीडियो बाली कैसी है मेरे। और इसमें जो मैं क्या तैयार होने के लिए क्या पहनूंगी रेडी होने के लिए, तो मैंने अपनी मीशो वाली जो रिंग है वाली निकाली है, तो इसमें इतनी चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ बहुत सामान जो है इसमें भी मुझे रखना है, सो मैं वो भी रखूँगी। और सैनिटाइज़र वगैरह जो है मैंने वो भी रखा हुआ है इसमें, सैनिटाइज़र मास्क सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बिकॉज़ कोरोना चल रहा है तो इस सब चीज़ों का भी जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और सैनिटाइज़र मैं बता दूं आपको, मैंने ये देखी ये वाला बैग है इसके जस्ट पीछे वाली में, क्योंकि जल्दी इसमें चीज़ें मिल जाती हैं हमें, इसलिए सैनिटाइज़र मैंने इसमें रखा हुआ है। और ये वाला देख सकते हैं बोरो प्लस का सैनिटाइज़र है, बहुत इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और एक सैनिटाइज़र कार में ऑलरेडी रखा होगा, तो वो सब व्लॉग जो है आपको नेक्स्ट डे जो है देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैंने बैग में अपनी कुछ चीज़ें रखी हैं, लिपस्टिक वगैरह इसमें छोटे वाले बैग में रखा हुआ है, मेकअप का कुछ चीज़ें नॉर्मली ऐसी रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि क्योंकि मुझे वहाँ ब्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो ये छोटा सा मेरा जो है कैमरा स्टैंड है, बहुत ही ये काम का है। ये नॉर्मली कितना बड़ा है ये देखिए, ये इतना बड़ा है, ये ऐसे खड़ा हो जाता है इतना, और इस तरह से जो है आप हाथ में पकड़ के इसे जो है वीडियो भी बना सकती हैं इस टाइप से। और ये देखिए, ये अगर आपको इसको डाउन करना होता ना तो ये ऐसे भी हो जाता है, इसको आप दबाइए तो जितना आप इसको झुकाना चाहें उतना ये झुक जाता है, और बहुत ही क्यूट सा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया था, बहुत ही मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था, ये आई थिंक 100 ऐसे कुछ मिला था मुझे, हाँ ऐसे ही कुछ है। अगर आपको चाहिए ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ले लीजिएगा वहाँ से अगर आपको पसंद आए तो। और पर ये बहुत काम का है, ये नॉर्मली आप अगर मेरा वहाँ पर ड्रेसिंग का रखा चीज़ है तो वहाँ आप इसे इसमें, हाँ तो ये कैमरा स्टैंड जो है मैंने लिया हुआ है, तो बहुत ही काम का है। आप नॉर्मली इसमें वीडियो व्लॉग वगैरह के लिए आप हैंड कैमरा नहीं पकड़ते बनता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, मुझे बहुत काम आता है, हाथ दर्द होता है ऐसे मोबाइल पकड़े, तो काफ़ी चीज़ें काम आता है। और मैंने मेकअप के लिए ना कुछ चीज़ें निकाल के रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी डेली उसकी क्रीम है ये वाली, इसका तो मैंने बहुत बार रिव्यू आप लोगों से शेयर किया काफ़ी बार कि ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एलोवेरा जेंटल ये प्योरीफायर इसका है, क्लिनजिंग रिमूवर का है, ये मेकअप रिमूवर है। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें सेट कर रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरे सामने ये फेस वॉश है, मेरी सिस्टर लेकर आई थी स्किन फूड्स का ब्राइटनिंग का, और एक के साथ एक फ्री मिला था ये फेस वॉश, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये बाहर से परचेज का है, ऑनलाइन नहीं है आपको बता दूँ। और ये बेस्ट मेरा जो है ये आप देख सकती हैं, यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये बेस्ट कवरेज हाई कवरेज फाउंडेशन है, वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, और बहुत ही ज़्यादा जो है बता दूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये इसका बेस बहुत ही ज़्यादा आता है। और मैंने यहाँ पे ये भी निकाल के रखा हुआ है सामने रोज़ टोनर, वैसे मैं डेली उसमें यूज़ तो नहीं करना होता है मेरा, पर मैंने यहाँ पर जो है मुझे इस तरह से लगाना अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया।
और कुछ चीज़ें यहाँ मैंने ये मंगलसूत्र रखा हुआ है जो मैं कल पहनूंगी इसे, और इसमें इयरिंग्स है मीशो हॉल में आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और ये वाला जो है मीशो हॉल में मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं किया है गले का, और ये मैं आपको कल जब पहनूंगी ना तो रेडी होंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक ये है, ये मैंने आप लोगों से वीडियो में शेयर कर चुकी ऑल इन वन पैन केक, ये फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट कंसीलर तीनों का काम करता है, मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था ये चीज़। और इतनी चीज़ें हैं जो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें जो है रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से। यहाँ से अगर आप दूर से देखेंगे तो ये लुक पूरा जो है ये वॉल का बहुत क्यूट लगता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा चूड़ी का सेट रखा हुआ है, और ये टैडी, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें सेट करनी है पर अभी मैं ना पूरी तरह से सही तो हुई नहीं हूँ ना, तो अब जैसा है फिलहाल वैसे ही रखा रह लूँगी, क्योंकि जब तक मैं पूरी तरह से सही ना हो जाऊँ मैं कुछ काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी से काम करना शुरू करूँ मुझे प्रॉब्लम हो जाए। तो ये देख रहे हैं, अभी यहाँ से आपको दिखा दूँ ये, और ये मेरा क्यूट सा मिरर है। ये मिरर ना आई थिंक मैंने शायद फ्लिपकार्ट या अमेजन ऐसे कुछ मंगवाया था, मुझे याद नहीं है इतना, ये देख रहे हैं आप। और ये ना थोड़ा सा आप अगर इसे ऊँचा करना चाहें ना थोड़ा सा फोल्डेड, ये फोल्डेड है ये आप देख रहे होंगे, तो ये क्यूटू सा यहाँ पे हो जाता है, ये देख रहे होंगे मेरा मोबाइल इसमें दिख रहा है, तो ये क्यूटू सा थोड़ा सा अगर आप इसे स्टैंड करना चाहेंगे ना तो वो भी हो जाता है, और नॉर्मली इस तरह से भी हो जाता है, फोल्डेड है ये और बहुत ही क्यूट सा है। और इसमें ये देख सकते हैं इसमें मेरी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कॉम वगैरह जो है मैं इसी में रख देती हूँ, और ये चीज़ है इसी में रखना हो जाता है मेरा। और ये देख सकते हैं आप इस वॉल का लुक मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये वाली फ़ाइल आप देखते होंगे हर वीडियो मेरी, यहाँ पे मेरी जितनी भी ऑपरेशन की जितनी भी फाइलें हैं एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई। ये कमरा इस समय थोड़ा मैसेज से आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी उस दिन साफ़ हुआ है, सारे कपड़े वगैरह हटे हैं। और ये फाइल मेरी इसलिए यहाँ पर है क्योंकि डॉक्टर देखती रहती है ना, इसी वजह से जो फिजियोथेरेपी करने आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना जो है फिजियोथेरेपी एक टाइम वो करके जाती है और एक टाइम मुझे करना पड़ता है, और वो जिस दिन नहीं आती थी दोनों टाइम मुझे करना होता है। कुछ एक्सरसाइज है जो मैं कर लेती हूँ क्योंकि इतना तो आना ही चाहिए, तो बहुत सी एक्सरसाइज है 10 या 12 एक्सरसाइज ऐसी है जो मैं खुद कर लेती हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरी एक्सरसाइज जो है कुछ बढ़ती भी रहेंगी। और ये वाली वॉल तो आप देख ही चुके हैं किस टाइप का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल का जो है जब हम लोग निकलेंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कहाँ जाना है, कैसा व्लॉग होगा, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो है अपना मेकअप का जरूर वो करूँगी, अपनी सिस्टर को भी मैं जो है उनका जुड़ा करने वाली हूँ ना, तो आप लोगों से शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है जाने की इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।